हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में तो जी ये वीडियो जो है दुल्हंडी से अगले दिन का वीडियो है यानी मंगलवार की सुबह है ये और इस वक्त जो है सुबह के साढ़े छः बज गए हैं और मैं अपने उसी टाइम पर उठ गई थी चाय पानी सब कुछ पी लिया है फ्रेशन अप भी हो गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मीठा मीठा जो मौसम होता है ना हमारा सुबह का उसका आनंद लिया जाए क्योंकि दो दिन से जो है वो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी और जैसे मैंने आपको बताया था कि भूखे पेट रहने से जो है बी लो की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि जिनको ना बी लो और बी हाई होता है ना उनको टाइम से प्रपोशन में चीज़ें ना मिले ना जैसे मीठा या नमकीन कुछ ना मिले तो प्रॉब्लम हो ही जाती है तो छोड़िए आप जो है पहले से मेरी तबीयत भी जो है वो ठीक है और आज घर की हालत आप देख सकते हो ये क्या हालत हो गई है सोमवार रात तक तो मेरा घर बहुत साफ सुथरा था अचानक से फिर हिमां की बुआ का कॉल आया कि हम लोग आ रहे हैं और उस दिन जो है यानी फाग वाले दिन धुलंडी वाले दिन हिमां के पापा का बर्थडे था तो ये बर्थडे सेलिब्रेशन वग़ैरह हुआ ना तो फिर पार्टी हो पर जो है वो लेकर आए थे इसकी बुआ और इसके फुआ तो वो फोड़ा गया ना तो उसके टुकड़े जगह 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 और बच्चों ने हर जगह मतलब इतना बुरा हाल था मैं नज़दीक से दिखाती तो मे भी शायद आप देख भी ना पाते जगह के जगह जगह ना केक भी बहुत बार पैरों छोटे बच्चे हैं तो पैरों के नीचे कहीं कहीं आया होगा छोटा छोटा तो वो भी ना फर्स्ट पर जम गया था सोफ़े वगैरह हटा के ना एक अच्छी सी डीप क्लीनिंग जो है वो मैं कर रही हूँ क्योंकि ना ये जो पार्टी ऊपर के अंदर जो होता है ना वो छोटे छोटे पत्ते से पत्ते से ना जो हर जगह जो है वो फैल फैल गए थे तो मैंने सोचा एक बार जो है अच्छे से इनको हटा लेती हूँ क्लीन कर देती हूँ सोफ़ो के आगे पीछे से सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करूँगा तभी जाके मन को जो है वो शांति मिलेगी और बच्चे सोई रहे हैं मैंने बच्चों को उठाया नहीं है और ठंडा ठंडा मौसम था और इसी मौसम में क्लीनिंग का काम डस्टिंग का काम जो है इसी इसी मौसम इस इसी टाइम पे जो है वो बहुत अच्छे से हो सकता है थोड़ी सी धूप होते ही मतलब आप ये मान के चलिए आठ बजे और आठ बजने के बाद जो है धूप में आप कोई काम नहीं कर सकते क्लीनिंग डस्टिंग का काम करने का मन नहीं करेगा ये काम भी जो है आप सुबह सुबह हल्की मीठी ठंड में जो है आप कर सकते हो झाड़ू पोछा है अपनी डस्टिंग वगैरह है अच्छे से जो सारी चीज़ें जो है वो कर सकते हो लेकिन जब धूप निकल जाती है ना तो आप बाहर का अच्छे से जो बालकनी भी वॉश नहीं कर सकते हो बालकनी में पोछा तक आप ढंग से जो है वो नहीं लगा सकते हो क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज जो है वो होती है तो बस अभी जो है सुबह सुबह जो है मेरा हो गया है ये झाड़ू वगैरह निकालना और सामने गेट आपको खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा वो हिमांकी बुआ का घर है और अभी जो निकले थे वो हिमांकी जी थे और अभी भी पीछे पीछे जो है अपना सामान क्योंकि ये भी अपना जो है वो ड्यूटी के लिए जो वो निकल रहे हैं और वो हिमांकी जो है वो बुआ है तो बस अपना जो है ये मैंने सारा जो कर दिया था और मतलब इतना बुरा हाल था मुझे लग कम से कम जो है आधे से पौना घंटा मेरा झाड़ू निकालने में जय वो निकला है तो आज मैंने सोचा बेडशीट वगैरह चेंज कर देती मैली तो वो हो ही गई थी और फिर ऊपर से क्या था कि कल भी कल तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था तो आज तो फाइनली मुझे चेंज करना ही था चेंज करने वाली तो मैं होली पे थी होली पे मैंने काफ़ी चीज़ें सोची थी नई बेडशीट्स वगैरह लाने का और सोफे के कवर भी लाने का और भी काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई क्योंकि हमारी तो तबीयत फिर भी थोड़ी बहुत ठीक हो गई थी बुखार वगैरह से जब भी हुआ था हिमांग पापा की नहीं हुई थी और मार्केट में भीड़ इतनी थी टाइम था नहीं पहले हम लोग बीमार थे उसके बाद टाइम था नहीं तो जा नहीं पाए तो फिर मैंने सोचा रहने ही देते हैं और अच्छा हुआ कि मैंने फिर नहीं की और अभी आज मैंने सुबह सुबह इसको बेडशीट को भी चेंज कर दिया है बेड वेड हटा के जब मतलब अब भी आप देखो झाड़ू निकालने के बाद भी पता नहीं तीन चार पत्ते मेरे पैर के पीछे हमने देखा हुआ कहाँ से जो है वो निकल कर आ गए हैं और हिमांगे पापा भी अपने ड्यूटी के काम से जो है फ़िलहाल अभी अभी जो है वो घर आए हैं तो वो आके अभी दोबारा फिर से क्या सुबह जाते हैं ना तो एक बार नहा धो के जाते हैं और वापस आते हैं ना तो वापस आने के बाद भी जो है वो फिर से नहाते हैं क्योंकि ना इनका रूटीन थोड़ा ना बहुत अजीब सा है अगर आप सोचोगे क्योंकि न, मान लो कहीं किसी केस से रिलेटेड पी जी वगैरह में जाना पड़ जाए आ, किसी एक्सीडेंट के केस की वजह से कहीं मतलब किसी हॉस्पिटल में जाना पड़ जाए तो ये आके जो है वो पक्का पक्का जो है वो नहाते हैं और पूजा पाठ जो है वो करते हैं और नहाना भी जरूरी होता है पता नहीं कि मतलब किस तरह की कीटाणु वगैरह वहाँ पे होते हैं बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और यहाँ पर जो आंधी वगैरह जो आजकल चलने का सिस्टम भी शुरू हो गया है तो मैं एक बार पोचा तो मैंने लगा दिया फिर अचानक से मुझे याद आया क्योंकि ना एक बार दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती है ना कि हाँ इसकी क्लीनिंग मुझे करनी है वो किर 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 जो है वो बर्दाश्त मेरे से होती नहीं है तो फिर मेरे कोई बात नहीं लग गया तो लग गया पोचा अभी मेरे को करनी है तो करनी है दोबारा फिर से जो है वो पोछा लग जाएगा तो फिर मैंने एक बार जो है फिर से जो है मोटा मोटा पोचा लगा दिया कि धूप निकल तो रही है कि ये जो है वो सूख जाएगा ये जो कुर्ता सेट मैंने जो पहना है ना इसका ऑलरेडी मैं शॉर्ट वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ और मतलब लिया तो मैंने ये मिंत्रा से था ले और लेकिन सॉपसी ऐप पे ये उससे भी कहीं ज़्यादा सस्ता जो है वो मिल रहा है मिंत्रा पे या फिर आप अमेज़ोन पे ट्राई करोगे ना जो कुर्ता सेट मैंने अभी पहना हुआ है

था अपने लिए कुछ गर्मी का समर का जो है वो ऑर्डर कर लो क्योंकि उनको पता है कि मुझे गर्मी में मैं थोड़ा सा ना हल्का कॉटन का स्टफ और ढीला ढाला स्टफ ही पहनती हूं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और आगे आने वाले दिनों में तो और भी ज्यादा बुरा हाल जो है वो होने वाला है तो कुछ कुछ चीजें जो है वो मैंने अपने लिए ऑर्डर करी थी वो मुझे रिसीव हो गई हैं एक एक करके हो रही थी तो मैंने सोचा कि एक बार इकट्ठा मिल जाए ना तो बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ तो ये देखो कितने सारे पार्सल जो है वो मैंने मंगवाए हैं ये पांच छह पार्सल हैं क्या क्या आया है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर रही हूँ और बच्चों को इस वक्त जो है मैं आ, क्लासेस वगैरह में छोड़ के मैं वापस आई हूँ और वापस आकर मैं फ़िलहाल ये सारी चीज़ें अपने घर के काम कर रही थी तो मैंने सोचा अभी मेरे पास मौका है हिमांग नहीं है क्योंकि हिमांग ना फिर बीच बीच में हाथ पैर बहुत ज़्यादा मारता है तो वो अच्छे से चेक करने नहीं देता क्योंकि कोई भी सामान हम मंगवाते हैं तो एक बार पहले चेक कर लेते हैं कहीं से कटाफटा तो नहीं है कोई डिफेक्टिव चीज़ तो नहीं है तो वो चीज़ें मैं आराम से शांति से बैठ कर जो है वो कर सकती हूँ और ये कॉटन का कुर्ता सेट है आई थिंक साढ़े चार सौ के आसपास का और इतना ज़बरदस्त है ना कि मैं क्या बताऊँ मस्ट मस्ट जो यू है कहते हैं ना कि मस्ट बाय प्रोडक्ट कहते हैं वो वाला है तो अगर कोई बाय करना चाहता है ज़रूर बाय कर लेना मैंने ऑलरेडी शॉर्ट्स वीडियो आप लोगों के साथ जो इसका शेयर कर दिया है और ये एक ढीली ढाली से मैंने फ्रॉक टाइप में कुर्ती मंगाई है क्योंकि क्या होता है ना सुबह का काम करके या नहा धो के गर्मी में ना इंसान थोड़ा ढीला ढाला सा कॉटन का स्टफ ही जो है वो पहनना पसंद करता है और इसकी बाजुएं जो है वो अंदर है अगर को कोई लगवाना चाहता हो तो लगवा सकता है नहीं तो फिर ऐसे ही पहनना चाहता हो तो ऐसे ही पहन ले और उसके बाद ये ये वाली कुर्ती भगवान कसम इतनी इतनी अच्छी है ना कि मतलब दिल खुश हो जाए ये वाली मतलब बहुत बहुत अच्छी है लेंथ भी बहुत अच्छी है इस कुर्ती की और प्राइस भी बहुत अच्छा है कपड़ा भी बहुत अच्छा है मतलब छोड़ने वाली चीज़ नहीं है आप ये कह सकते हैं तो और इसके बाद ये एक शॉर्ट कुर्ती है ये मैंने अपने लिए नहीं मंगवाई है तो ये मैंने जो है प्रियंका के लिए मंगवाई है तो वो आ जाएगी तो मैं उसको जो है वो मैं दे दूँगी या उससे पहले मेरी मौसी की लड़की आई तो मैं उसको मैं दे दूंगी जो दोनों में से पहले मेरे पास पहुँच ना तो उसको मैं दूँगी ये मैंने उसके लिए जो है वो मंगवाई है तो यहाँ पर जो है एक ये कुर्ती जो है वो मैंने मंगवाई है तो ये देखा मतलब हर चीज़ जो है वो बहुत दिल खुश हो गया सच में आज शॉपिंग करके मस्ट ट्राई करना आजकल इतना ऑफ जो है सॉप शे ऐप पर चला हुआ बहुत बहुत ज़्यादा और ये जयपुरी कॉटन में है और कॉटन का कपड़ा गर्मी में हर कोई प्रेफर करता है ढीला ढाला सा कॉटन का कपड़ा जो है वो पहने को मिल जाए तो हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी अच्छा एक नेकलेस जो है वो पहले मंगवाया था लेकिन ये मुझे लेट ही रिसीव हुआ था तो जो मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो भी शेयर करा था तो उनमें से एक ये रह गया था ये मुझे लेट ही मिला था तो ये वो नेकलेस का पूरा सेट है और तो बस अभी फटाफट से सभी ये सारे कपड़े जो मैंने धोए थे ना वो सूखे उनकी तय बना के मैं रख देती हूँ और जो है व्लॉग एंड भी कर लेती हूँ यहीं पे। आई होप आप लोगों को जो है ये व्लॉग जो है पसंद आया होगा और पसंद आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट लाइक कर देना शेयर कर देना सब्सक्राइब कर देना चैनल को थैंक यू सो मच